कंडक्टिविटी की बात करी थी हमने, कंडक्टिविटी और आपका अगर कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग सर्फेक्टेंट्स की, सोप डिटर्जेंट जो भी यूज़ कर रहे हो उसकी अगर कंसंट्रेशन ले रहे हो आप, तो उसके बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके का आया था आपका कि क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, जब तक आपका माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता, मिसल फॉर्मेशन, तब तक तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है और उसके बाद क्या हो जाती है, लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जैसे एक ग्राफ, ये देखो, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको याद रखना है मुझे, मतलब उसमें तो नहीं आएगा, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में तो नहीं आ सकता इतनी सारी चीज़ों का, लेकिन एडवांस में ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सरफेस टेंशन लिखा हुआ है, साफ आप लोग को दिख रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों एक ही तरह चलते हैं, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, ठीक है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है, टर्बिडिटी समझ लो आप विस्कोसिटी से समझ लो, टर्बिडिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो देखो क्या क्या है। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पहले तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है सीपी है। फिर क्या होता है, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन जब आता है, ये वाला लेवल आता है, इतनी कंसंट्रेशन पहुँचती है तब एग्रीग्रेट हो जाते हैं और माइसिल फॉर्मेशन हो जाता है, तो मॉलिक्यूल बड़े साइज़ के हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब बहुत सारे आपके ये माइसिल फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा चेंज नहीं होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, अप्रॉक्स कांस्टेंट, ठीक है। टर्बिडिटी की अगर बात करो या हम लोग पहले सरफेस टेंशन की बात कर लो, तो सरफेस टेंशन का ये ग्राफ, और फिर उसके बाद लगभग कांस्टेंट हो जाएगा सरफेस टेंशन। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी जा सकती है आपसे। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जब हम देखते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, इधर कंसंट्रेशन ले लिया आपने और इधर मोलर कंडक्टिविटी ले लिया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, पहले कम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर भी यहाँ पे अगर ये कंसंट्रेशन अगर सी एम सी है, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, उसके बाद और कम होता है, लेकिन अब की बार क्या होता है, अब की बार स्लोप और डाउन जाता है, मतलब ओवरऑल में मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज ही करेगी अगर स्लोप कुछ इस तरीके का बना दो, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज ही करती है पहले भी और माइसिल फॉर्मेशन के बाद भी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ऐसे ही होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन पहले डिक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा स्लोप आपका, ओपी के लिए भी यही है, इंक्रीज और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखो जैसे दो क्वेश्चंस हैं, बारे में दिया हुआ है, अबव क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन द ऑप्शन विच इज करेक्टली डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ
सोडियम डोडेकाइल सल्फेट इन एक्वा सोल्यूशन। सोडियम डोडेकाइल सल्फेट ये आपका डिटर्जेंट की तरह काम करेगा। तो ये जो डिटर्जेंट है इसके अंदर आप अगर डिसॉल्व करते हो, आप मतलब सीएमसी फॉर्मेशन होता है, तो सीएमसी कंसंट्रेशन के बाद मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगी या कैसे डिक्रीज करेगी। तो अभी आपको मैंने बताया जैसा कि ग्राफ से कि सीएमसी क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन के बाद बहुत शार्पली स्लोप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो बहुत शार्पली डिक्रीज करेगी। और देखो चार ऑप्शन है आपके पास, जैसे पहला है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, तो इंक्रीजेज वाला तो होगा ही। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज शार्पली बट सॉल्यूशन रिमेन्स कोलाइडल। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज शार्पली एंड डिसोसिएशन इनटू मोनोमर्स आल्सो अकर्स शार्पली। तो मोनोमर्स डिसोसिएशन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है वहाँ पे, वहाँ पे एग्रीगेशन होता है और सॉल्यूशन कोलाइडल बन जाता है, कोलाइडल के साइज में रहता है, एग्रीगेट कोलाइड बनते हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड वाला तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, सेकेंड। उसके बाद फोर्थ को भी देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज वाला तो है ही नहीं इसलिए हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। लार्ज लॉस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में भी हम लोग देखते हैं, अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है आपका तो इसमें दो पॉइंट याद रखेंगे, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। आपको ऐसा लगेगा एग्रीगेट हो रहे हैं, लेकिन एग्रीगेट होने के साथ साथ क्या होता है कि वो जो माइसिल फॉर्मेशन है उसमें आपका वाटर भी है और वाटर के थ्रू वो बाहर निकलता जाता है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स बाद में फ्री होते जाते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा एस जो है ये पॉजिटिव होता है, मतलब एंट्रोपी बढ़ती है। दूसरा, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, मतलब अगर आप थर्मोमीटर लगा दो तो क्या होगा, हीट जनरेट हो रही होगी। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। दूसरा ये ग्राफ है, ये भी सेम ग्राफ शो कर रहा है, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, मोलर कंडक्टिविटी और सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आप ये वाला ग्राफ देखो, अगर ए और डी को देखते हो तो आपका इसमें सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। और अगर डी को आप देखो तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए ये गलत हो गया। अब हम बी और सी को देखते हैं, तो बी में और सी में भी देखो, यहाँ पे जाके मोलर कंडक्टिविटी ये यहाँ से इंक्रीज कर रही है, जबकि मैंने क्या बताया था, यहाँ पर डिक्रीज करेगी मोलर कंडक्टिविटी। और सरफेस टेंशन कैसा होगा, सरफेस टेंशन का ग्राफ कभी कभी ऐसे शो करते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पर एग्जैक्टली, तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दो चार चीज़ें ध्यान रखनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ सकते हैं, डेल्टा एस पूछ सकते हैं, डेल्टा एच पूछ सकते हैं आपसे, और इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकते हैं, कंडक्टिविटी पूछ सकते हैं, उनके बाद में ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, पढ़ा हुआ है कभी, सुना है सोप और डिटर्जेंट्स, किसी ने सुना है क्या? सोडियम और पोटेशियम क्या है? अच्छा, और कोई बताओ। अच्छा, क्या काम करते हैं? क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, सही है। डिटर्जेंट्स और सोप की अगर बात करो तो सबसे पहले सरफेस पे काम करते हैं, इसलिए इनको सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। और किस किस लिए यूज होते हैं, क्लीनिंग,
पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि सरफेस पे एक्टिव एजेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्लीनिंग पर्पस के लिए नहीं यूज किए जाते। जो क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं उनको डिटर्जेंट्स बोलते हैं, और जो नहीं यूज किए जाएंगे उनको डिटर्जेंट्स नहीं बोलेंगे। तो एक लाइन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर नॉट डिटर्जेंट्स बट ऑल डिटर्जेंट्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इतनी बात क्लियर है? सरफेस पे काम करेगा तो फिर सरफेस एक्टिव एजेंट बोलेंगे, और आपका सारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स को नहीं बोल सकते, क्योंकि सरफेस पे बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन क्लीनिंग में जो काम आएगा उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? डिटर्जेंट। क्लियर? होगा नेटवर्क का इशू। हाँ, सरफेस एक्टिव एजेंट डिटर्जेंट्स की हम बात करें तो कितने तरीके के हो सकते हैं ये डिटर्जेंट्स, उसकी बात करें। एक आपका हो सकता है कैटायनिक, दूसरा हो सकता है एनायनिक, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या हो, न्यूट्रल नॉन आयनिक हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या आयंस कोई फॉर्म नहीं हो रहा हो, तो नॉन आयनिक। अब क्या है भाई ये कैटायनिक और एनायनिक? नॉन आयनिक, नॉन आयनिक पे क्या होगा, पूरा ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो भी ये आपका सर्फेक्टेंट्स है, इसका जो पूरा मॉलिक्यूल है ये कैसा है, इसमें कहीं भी आपको आयनिक पार्ट नहीं दिख रहा है, सारे क्या है आपका नॉन आयनिक है, न्यूट्रल। फिर एनायनिक की अगर बात करो तो ये वाला जो एंड था, जो हेड था, इसको हमने क्या बोला था, हाइड्रोफिलिक बोला था, और ये जो टेल थी इसको क्या बोला था हमने, हाइड्रोफोबिक। तभी तो जब माइसेल फॉर्मेशन हो रहा था तो ऐसा हो रहा था, इधर आपके ऊपर ये आ जा रहा था। इधर क्या था, वाटर। ये वाले एंड किससे अटैच हो रहे थे, वाटर। ठीक है, तो
एनाइनिक का क्या मतलब है कि जब हेड या हाइड्रोफिलिक, ये जो आपकी आपका हेड है ये कैसा होगा, एनायन होगा, माइनस चार्ज वाला होगा, देन इट इज़ कॉल्ड एनायनिक रिंग। और जब ये वाला जो हेड है ये कैसा होगा, कैटायनिक होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तब इसको हम बोलेंगे कैटायनिक रिंग। और कोई ऐसा, सपोज आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिखता है जिसमें कि दोनों आपके जो हेड है ये कैसा है आपका, पॉजिटिव भी कुछ दिख रहे हैं और कुछ निगेटिव भी दिख रहे हैं, तो उसका मतलब वो कैसा हो गया, एम्फोटेरिक। बेसिकली हमें समझने कौन से एनायनिक और कैटायनिक को होना चाहिए। तो एनायनिक में अगर हम एग्जाम्पल देखें, बात करें एनायनिक की, एक एग्जाम्पल है आपका सोडियम स्टीयरेट, याद रखें। और सोडियम स्टीयरेट C70H35COON, ठीक है। अब इस ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, C70H35CO माइनस और Na+। अब ये वाला जो माइनस वाला ये वाला एंड होगा ये क्या बना लेगा, आपका हाइड्रोफिलिक हेड। ये वाला जो एंड है ये क्या बनाएगा, हेड। और इधर वाला ये जो एंड है ये क्या बना लेगा, टेल। तो ऐसे डिटर्जेंट को हम क्या बोलेंगे, एनायनिक। अब ये जो एंड है ये क्या करेगा आपका, ये माइसिल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट। अब जैसे कैटायनिक का एग्जांपल लो, तो कैटायनिक में ये जो आपका हेड बनेगा वो किससे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो इसका एग्जांपल होता है ऑक्टा डेकाइल अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला होगा आपका, ऑक्टा मतलब 8 और डेका मतलब 10, तो यानी टोटल हो गए आपके, ऑक्टा का मतलब 8, डेका का मतलब हो गया 10, तो टोटल आपको कितने लेने हैं, 18 कार्बन, C18H37NH3+Cl-। अब इसमें जो हेड बनेगा ये जब ब्रेक होगा तो ऐसे, ये जो पॉजिटिव वाला ये जो पार्ट है ये बनाएगा। बात क्लियर हो रही है? मतलब जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो नेगेटिव वाला पार्ट बन रहा है या पॉजिटिव वाला पार्ट बन रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो डिटर्जेंट आपका कैटायनिक है या एनायनिक। जैसे सोडियम स्टीयरेट हो गया, सोडियम पामिटेट होता है, सोडियम ओलिएट होता है, ये सारे होते हैं एनायन। स्टीयरेट में एस है और एस फॉर आप 17 से याद रखिएगा, इसमें C17 लेना है, C17H35COO-। फिर अगर हम सोडियम पामिटेट का याद रखें इसके लिए C15 लेते हैं लोग, पामिटेट में C15, S31, COON। ये पॉपुलर है इसलिए इनको याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। सोडियम ओलिएट की अगर बात करें तो ओलिएट में भी इन्होंने 17 दे रखा है, मैंने ओलिएट में 17 पढ़ा दी। चलो इसका फॉर्मूला देख के बताऊंगा। तो
कैटैनिक और एनायनिक का मतलब समझ के, एनायनिक कब बोलेंगे, कैटैनिक डिटर्जेंट कब बोलेंगे? तीसरी कैटेगरी थी अपनी नॉन आयनिक। नॉन आयनिक में हम लोग एक दो एग्जांपल याद रखते हैं, जैसे एक है पॉली ऑक्सी इथाइलीन ग्लाइकॉल डेरिवेटिव। इथाइलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला जानते हैं, CH2OH, इसमें और ऑक्सीजन लगाएंगे और उसको डेराइव करेंगे, उसमें मतलब कोई और चीज़ें ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, पॉली का मतलब पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। किसी को भी अगर पॉलीमर हमें लिखना है तो उसमें हम लोग एम मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लिखा हो, वैसे फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं। इसका नंबर 1000 इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। पॉलीमर में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये नॉन आयनिक है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है। अब अगर हम बात करें सोप, सोप क्या होते हैं? सोप सुना है, सपोनिफिकेशन सोप। क्या होता है? प्रांजल क्लास में है, प्रांजल क्लास में है क्या? आर्ची कोई मैसेज आया प्रांजल? और आपके NaOH से रिएक्शन एल्कली से इसका रिएक्शन करवा दो, जब ये एल्कली के साथ इसको ट्रीट कर दोगे तो ये R1, R2, R3 ये क्या हो जाएंगे आपके, ये पूरा ग्रुप जो होगा ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ साथ ये Na जो है ये रिप्लेस होके बना लेगा आपका सोप। कैसे कैसे? छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना तो होगा, रिएक्शन बने। एक ऑयल होता है लिंसीड ऑयल, इससे बनाते हैं हम लोग सोप को, बोलते ये ऑयल के यूज करते हैं, ये चीन होता है, ठीक है भाई। अपना सोप भी बन जाए, अपना काम भी हो जाए, क्लिंजिंग एजेंट भी बन जाए
और अगर वो सस्ता पड़े तो ज़्यादा अच्छा है ना। कभी कभी पूछा जाता है सॉफ्ट सोप किससे बनाए जाते हैं, सॉफ्ट सोप जो है आपके ये पोटेशियम के बनते हैं, पोटेशियम सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट सोप का मतलब जैसे अपने ये स्किन वगैरह पे जो यूज करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे हार्ड वाटर है अपना, है ना, तो हार्ड वाटर में ये आपका सोप ज्यादा कंज्यूम क्यों होता है? वाटर में क्या होते हैं, सोडियम, हाँ पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। और जब आपका सोप इससे रिएक्ट करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रिपरेशन कर देता है। अब आप तो गंदगी को निकाल रहे थे, अब यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल उस पे जाके डिपॉजिट हो। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको सोप का अमाउंट ज़्यादा लेना पड़ता है। जो अगर आपका सॉफ्ट वाटर हो जिसमें ये कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स नहीं हो, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है, तो ये जो अगर सॉल्ट्स नहीं हो तो आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट इस तरीके के प्रिपेयर नहीं होंगे और वो डिपॉजिट नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका क्लीनिंग ईजी हो जाएगा, आपको सोप कम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हार्ड वाटर में क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, और जिसकी वजह से हमें सोप ज़्यादा मिल जाता है। क्लियर? देखो जैसे कोई आपका पैन है उस पे ऑयल लगा हुआ है, अगर आपको इसको क्लीन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे अगर आप हॉट वाटर से इसको क्लीन करो डिटर्जेंट वगैरह डाल के तो क्लीनिंग इजी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, डिटर्जेंट ना बोलो, अगर आप ले लो वॉशिंग सोडा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, और कोई चीज होता है क्या? और कोई चेंज भी होता है क्या? वॉशिंग सोडा होगा क्या? अगर हम इसमें वॉशिंग सोडा डाल देते हैं ना तो Na2CO3 होता है, वॉशिंग सोडा यही होता है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, हॉट वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होके ये बना लेता है NaOH। ठीक है, और ये NaOH जो है,
अगर ये पैन है और इस पे ऑयल वगैरह है तो इस पे एसिड डिपॉजिट भी होगा। इसके एसिड से रिएक्ट करके ये एनिमल्स सो फॉर्म कर, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, सो फॉर्मेशन हो गया। मीडियम आपका क्या है, हॉट वाटर है, तो उसकी प्रेजेंस में क्लीनिंग और अच्छी है, ईजी है। ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से एनसीईआरटी से, प्रदीप से, जो भी आपके पास बुक है उससे कर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैटालिसिस। सुना है कैटालिसिस? अभिनव, फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट की भी आवाज नहीं आ रही। प्रणय, मीत, विकास, प्रियांजल, अंजल भी हैं। हर्ष कहाँ गए? हर्ष की आवाज़ नहीं आई, ना मैसेज आया। प्रांजल, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती, चलो कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैटलिस्ट के बारे में सुना है आपने, क्या होते हैं कैटलिस्ट, क्या होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इन जनरली हम लोग बोलते हैं, तो इन जनरली बोल देते हैं इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, करते क्या है, जो आर्ची ने पॉइंट बताया वो भी सही है भाई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है, कितनी भाई एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए मॉलिक्यूल्स को, एक्टिवेशन एनर्जी उसको ये क्या कर देते हैं, लोअर कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। मान लो कोई रिएक्शन होना है, किसी मॉलिक्यूल्स के पास 10 किलो जूल एनर्जी है, और उसको टोटल होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए रिएक्शन 100 किलो जूल चाहिए, तो 90 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करता है कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है। अब मान लो कैटलिस्ट आपने यूज़ कर दिया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को सपोज़ ये 50 पे ले आया, तो अब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 40 देनी पड़ेगी। अगर इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के काउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो आपको एनर्जी अब कम देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, अफेक्ट होगा। अब कैटलिस्ट की अगर बात करो, तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस हैं जो इन जनरल नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन ये अनचेंज्ड मिल जाते हैं आपको, कैटलिस्ट के बहुत सारे। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा, कैटलिस्ट जो एक्ट करेगा, उसका जो एक्शन होता है, उसका प्रोसेस जो होता है पूरा, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। सपोज ए और बी
रिएक्ट कर रहे थे, सी ओ डी बना रहे थे, इस समय मान लो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 50 मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब हमने इसमें कोई सब्सटेंस दूसरा एक्स डाल दिया, इसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया और अब रिएक्शन हो गया आपका 100 मोल पर सेकेंड, रेट हो गया नया। तो ये जो एक्स नया सब्सटेंस जो हमने ऐड किया वो क्या बोला जाएगा, कैटलिस्ट। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटलिसिस। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं अपने आसपास, मतलब सुने हैं। देख लीजिए, N2+3H2 gives 2NH3, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। कभी कभी किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है उसकी मैचिंग से क्वेश्चंस दे दे रहे हैं आजकल मेंस में भी, नीट में। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, अमोनिया बनाता है, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। इसमें Fe आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आयरन कैसे काम करता है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे एक आप बोल सकते हो फिजिकल स्टेट की बेसिस पे होमोजिनस कैटालिसिस एंड हेट्रोजिनस। होमोजिनस हेट्रोजिनस का मतलब तो समझते हैं, भाई कैटलिस्ट काम कर रहा है और उसमें स्टेट्स कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो स्टेट्स हैं वो अगर डिफरेंट आ जाती हैं तो कैटलिस्ट कैटालिसिस हो जाएगी हेट्रोजिनस, और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की स्टेट्स कैटलिस्ट की स्टेट क्या होंगी, फिजिकल स्टेट सेम होंगी तो होमोजेनस होंगी। तो किसकी बेसिस पे है, फिजिकल स्टेट की बेसिस पे। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट इनकी अगर डिफरेंट है तो हम बोलते हैं हेट्रोजिनस, और फिजिकल स्टेट अगर आपका कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का सेम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस। जैसा कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें आयरन होता है आपका मेटल, तो आयरन होगा सॉलिड। ये है रिएक्टेंट आपके गैस, प्रोडक्ट भी इसमें गैस। तो ये कैसा कैटालिसिस हो गया आपका, हेट्रोजेनस। होमोजेनस की अगर बात करो तो एक कैटालिसिस होती है N2 वाली, N2+ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और इसमें NO गैसियस यूज किया जाता है कैटलिस्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं गैसियस कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम भी याद रखना, प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं H2SO4 प्रिपरेशन में। चैम्बर प्रोसेस, चैम्बर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, H2SO4 चैम्बर से कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाया जाता है, उसमें एक कई सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें एक रिएक्शन होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्टेंट दोनों आपके गैसियस हैं, और NO जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो भी कैसा है, गैसियस। तो होमोजेनस कैटलिसिस का एग्जाम्पल हो गया, होमोजेनस कैटलिस्ट हो गया। क्लियर है बात, जैसे होमोजिनस में ये कौन सा था, इसको बोलेंगे हम गैसियस फेज,
क्योंकि सारे के सारे क्या थे, गैस। अब कोई होमोजेनस में हम ऐसा ले लें जिसमें सब लिक्विड हो, तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन फेज। जैसे हम लोग एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एस्टर आपका होता है RCOO(R)-। अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये भी लिक्विड है एस्टर की, और एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। एसिड भी जो लोग हैं वो कैसा लोग हैं, एक्वस। एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्कोहल बनता है और आपका एसिड। तो इसमें अगर देखो तो आपका H प्लस काम कर रहा है कैटलिस्ट की, और H2O भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी एक्वस है, तो ये भी क्या है, तो ये होमोजेनस कैटलिसिस है। लेकिन कौन सी फेज की है, सॉल्यूशन फेज की है, और इसके पहले वाली जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, गैसियस फेज की पढ़ी थी, क्योंकि इसमें सब गैस। क्लियर? हेटरोजेनस की अगर बात करो तो हेटरोजेनस में भी अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आप जो एग्जांपल्स बता रहे हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी प्रोसेस में आएंगे, इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड सॉलिड, एक रिएक्शन होता है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं 2KClO3। 10th में हम लोग ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। इसमें अगर MnO2 डाल दो, ये सॉलिड होता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का पाउडर होता है, सॉलिड होता है। इसमें अगर MnO2 डाल देते हैं हम लोग और हीट कर देते हैं तो ये KCl और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड हाइड्रोजिनस कैटालिसिस हो जाएगी, इसको हम लोग 10th में डिकम्पोजिशन। दूसरी अगर बात करो सॉलिड लिक्विड की, सॉलिड लिक्विड में हम लोग कौन सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका H2O2 है, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में। तो प्लैटिनम आपका होगा सॉलिड और ये होगा आपका H2O2 लिक्विड, प्लैटिनम कैटलिस्ट है यहाँ पे। तीसरी अगर बात करो लिक्विड लिक्विड, अब इसमें यही सेम रिएक्शन जो अभी हमने करवाया, इस रिएक्शन को यहाँ पे अभी हमने करवाया था प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो प्लैटिनम सॉलिड था। अगर हम इसको मरकरी के प्रेजेंस में करवाते तो मरकरी आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड कैटालिसिस हो जाए। सॉलिड गैस, सॉलिड गैस का कोई एग्जांपल बताओ, आपको बता चुके हैं। सॉलिड गैस का एग्जांपल बताइए, आपको बता चुके हैं। सोचो, कई बार डिस्कस किया है। ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन है, कोई बता रहा है? हाँ, हाइड्रोजिनेशन की जो हम लोग बात करते हैं, C2H4 जैसे ले लिया, इसमें हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं इसका, C2H6 बन रहा है। यहाँ पे हो गया निकल, ये आपका सॉलिड है,
और ये क्या हाइड्रोजन गैस के ऊपर निकल, निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराते हैं। ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और ये एल्केन इथाइलीन है। सॉलिड गैस का आपका हैबर प्रोसेस भी बोल सकते हो। जो अभी पढ़ा था अब कुछ इंडस्ट्रियल हैं जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आजकल से पहला था आपका हैबर बता दिया आपको N2+3H2 H2NH3। इसमें कैटलिस्ट कौन है? आयरन। और M होता है कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। MO यहाँ पे प्रमोटर है और आयरन यहाँ पे है कैटलिस्ट। बताया मैंने आपको इंडस्ट्रियल में कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 2SO2+O2 गिव्स 2SO3, ये बनता है NO की प्रेजेंस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर एक और रिएक्शन होता है, अगर यहाँ पे हम PT एस्बेस्टॉस प्लैटिनम या यहाँ पे हम ले ले V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो भी इसको हम लोग इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आप बोलोगे इसको भी कॉन्टैक्ट बोलते हैं, इसको भी कॉन्टैक्ट बोलते हैं? नहीं, पहले जो हम लोगों ने बात की सही बात की थी, मुझे भी याद आ गई। ये NO जब यूज़ करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की जाली जब यूज़ करते हैं हम लोग, एक गैस टाइप का होता है ऐसा, इसकी प्रेजेंस में जब करवाते हैं हम लोग, और यहाँ पे प्लैटिनम एस्बेस्टॉस का यूज़ करते हैं, तो इसको कॉन्टैक्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं चैम्बर। चैम्बर लिखा था ना मैंने रिडेस का, अभी दोनों को देख के मुझे याद आ गया कि नहीं ये चैम्बर है। और के बाद एक प्रोसेस है HNO3 को बनाने का, नाइट्रिक एसिड को बनाने का, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। आजकल मैचिंग पूछी जा रही है खूब, कौन से प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस की अगर बात करो तो NH3 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर, और यहाँ पे प्लैटिनम गैस यूज किया जाता है, ये कैटलिस्ट है PT। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस। एक होता है डेकन प्रोसेस, ये क्लोरीन के लिए यूज करता है, क्लोरीन फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं? HCl की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, CuCl2 की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस बनती है और वाटर। तो क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेस का नाम डेकर प्रोसेस है, और कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? CuCl। और एजेंट क्या यूज कर रहे हैं? HCl एंड CuCl2 कैटलिस्ट। क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं आजकल? प्रोसेस का नाम लिख देंगे और प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं या कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका नाम, उसकी मैचिंग देंगे। फिर एक प्रोसेस होता है बॉश प्रोसेस, इसको हम लोगों ने शायद तो उसमें पढ़ा था।
कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, हाइड्रो वाटर से रिएक्ट करा दीजिए, तो आपका यहाँ पर बन जाता है CO2 एंड Fe2O3 इसमें क्या इसके बाद एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल बनाना है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं फिशर ड्रॉप्स प्रोसेस। इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, हाइड्रोजन ले लो, इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते थे, वाटर गैस बोलते थे, CO+H2। प्रोड्यूसर गैस का क्या फॉर्मूला था, कौन बताएगा, प्रोड्यूसर गैस क्या थी और वाटर गैस तो बता दिया CO+H2। कोई बताना चाहता, प्रोड्यूसर गैस का क्या फॉर्मूला था, क्या बनेगा ये नहीं पूछ रही, प्रोड्यूसर गैस का क्या फॉर्मूला था। इसमें हम लोग वाटर गैस यूज करेंगे, वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर, प्रोड्यूसर गैस कौन सी, ये होती है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर वाटर गैस। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे वाटर गैस। इसमें अगर कैटलिस्ट की बात करो तो निकिल भी ले सकते हो, कोबाल्ट भी ले सकते हो, आयरन भी ले सकते हो, एल्यूमिना के एल्यूमिना होता है Al2O3। इसमें आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। CH3OH बनाना है मीथेनॉल, तब भी ये यूज की जाती है वाटर गैस। इसमें ZNO ले सकते हो कैटलिस्ट, कॉपर ऑक्साइड ले सकते हो, CR2O3 ले सकते हो, 250 डिग्री सेंटीग्रेड का पॉलीमर होता है ना, तो कौन सा प्रोसेस करवाओगे, पॉलीमराइजेशन करवाओगे, एन मॉलिक्यूल्स इसके ले लोगे और ये पॉलीमराइज हो जाएगी और क्या बना लेगी, पॉलीथाइलीन, या इसी को बोलते हैं पॉलीथीन। अगर प्रोसेस में देखें हम तो हम लोग प्रोसेस में इसमें यूज करते हैं ऑर्गेनो क्रोमियम और ऑर्गेनो का मतलब समझ रहे हो, ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, कार्बन के कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है,
एक कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, मेटल कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा और कंपाउंड बनाता है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कार्बन डायरेक्टली क्रोमियम से अटैच होगा या कार्बन डायरेक्टली टाइटेनियम से अटैच होगा और ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा इस रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन। इथाइलीन से हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन, पॉलीइथाइलीन या पॉली। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में RMGX, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये R की जगह CH3 हो सकता है, CH5 हो सकता है, कुछ और कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो एल्किल ग्रुप सीधे सीधे मैग्नीशियम से अटैच हो रहा है, मतलब कार्बन मेटल से अटैच हो रहा है डायरेक्टली और कंपाउंड बना रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक का जैसे एक कंपाउंड होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं उसको पेट्रोल वगैरह में। TEL10 टेट्रा इथाइल लेड, ये भी होता है एक ऑर्गेनो। अब एक लास्ट बता रही हूँ आपको, लास्ट प्रोसेस। CH3OH ले लिया हमने, मीथेनॉल, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे, रुहिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये कैटलिस्ट, इसमें काम करेगा और इससे बनेगा एसिटिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम मीथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड और रुमेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट में हमने ढेर सारी बातें कर ली, होमोजेनस हेटरोजेनस के में हमने स्टेट्स की बात की और फिर उसके बाद कुछ हमने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात की, कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कौन कौन से कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों भाई, क्योंकि किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल पे इसी से बनाया जाता है। तो इसमें कैटलिस्ट का ध्यान में रखा जाता है कि भाई कैटलिस्ट भी चीप क्वालिटी का यूज़ करो, अपना बाद भी बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम उस सब्सटेंस को प्रिपेयर भी कर लें और हमारा प्रोसेस क्या हो, ज़्यादा महंगा भी ना। क्लियर। कुछ को हम बोलते हैं पॉजिटिव और कुछ को बोलते हैं निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव किस सेंस में बोला जाता है, सुना है आपने कहीं, क्या रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और ये क्या करेगा, रेट को जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें आपको प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करते हो, पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हो। लेकिन कोई रिएक्शन ऐसा है जो अनवांटेड रिएक्शन है, जो आप चाहते हो कि ना हो, तो आप क्या करते हो, उसमें कोई निगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर देते हो ताकि वो रिएक्शन ना हो, वो रिएक्शन ना हो या तो रुक जाए और या तो क्या हो जाए, उसका रेट बहुत स्लो हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने एक बात की थी लास्ट ईयर जब हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था, तो क्लोरोफॉर्म में हमने बात करी थी कि क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ दो तो ऑक्सीजन मिल जाती है क्लोरोफॉर्म को और ये बना लेता है COCN, ठीक है। तो ये होता है फॉस्जीन, ये जो गैस होती है ये फॉस्जीन होती है और ये कैसी गैस होती है, पॉइजनस। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो पॉइजन है ना ये ना बने। हमने बॉटल में क्लोरोफॉर्म रखा है
तो जब हम क्लोरोफॉर्म को यूज़ करने जाएं तो हमें क्लोरोफॉर्म ही मिले, ऐसा नहीं हो कि COCl2 मिल जाए फॉस्जी। ठीक है, तो आपको पता ही है क्लोरोफॉर्म को पहले किस लिए यूज़ किया जाता था, एनेस्थेटिक पर्पज से यूज़ करते थे, एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता था। तो अब पता चला हम तो पेशेंट को बेहोश करने गए और पेशेंट कहाँ चला गया, पेशेंट ने स्मेल कर लिया फॉस्जीन को, और अगर ज़्यादा अमाउंट में स्मेल कर लिया तो ऊपर निकल गया। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं निगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे। इसमें हम लोग इथाइल एल्कोहल C2H5OH की कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके, C2H5OH क्या करता है, इसके साथ कार्बोनेट बना के रखता है, और कार्बोनेट जब इसका बन जाता है तो ये क्या बना देता है, कार्बोनेट बना देता है। और जब ये कार्बोनेट बना देता है तो आपको क्लोरोफॉर्म फिर उसके बाद आपका इस प्रोसेस से नहीं डिकम्पोज हो पाता है, फॉस्जीन नहीं बनता। क्लियर है? पॉजिटिव में तो आपने एग्जाम का भी वाला पढ़ा ही, ये रेट को इंक्रीज करता है। कुछ देखो कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो में क्या होता है, इसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा रिएक्शन, वो कैटलिस्ट की तरह काम। ठीक है, जैसे मान लो ए बी से मिक्स होकर के सी और डी बना रहा है, आपको बाहर से कोई सब्सटेंस नहीं डालना, तो इनिशियली क्या होगा भाई, इनिशियली तो ऐसा होगा ना कि ए का कुछ अमाउंट होगा, बी का कुछ अमाउंट होगा, सी और डी बने हुए नहीं होंगे, तब तो कैटालिसिस नहीं हो रहा होगा, इसमें कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही सी बनना स्टार्ट हुआ, सपोज सी का कुछ अमाउंट बन गया, कुछ होल्स बन गए, तो सी जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, सी क्या करने लगेगा, इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा। तो मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर कोई बना हुआ प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है, मतलब रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को, और वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन होता है आपका अच्छा सा है KN2 का, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की एसिडिक पीडीएम में H2C2O4 से जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये बना लेता है MnSO4। यहाँ पे अगर तुम H2SO4 H प्लस की जगह तो इस रिएक्शन में होता क्या है, MnSO4 बनता है, और ये MnSO4 ऑटो कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन करेगा। ये टाइट्रेशन आप लोग लैब में करेंगे अगर जाएंगे तो। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है, पर्पल क्रिस्टल होते हैं इसके। ठीक है, और ये जो होता है ये वाइट होता है या कलरलेस होता है, ये बनता जाता है कलरलेस MnSO4, और ये काम करता है कैटलिस्ट, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटलिसिस। ये आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट का हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, उसमें H2SO4 यूज करते हैं, और इसमें MnSO4 बनता है वाटर कैटलिस्ट। हाँ, ये MnSO4 और भी चीज़ें बनेंगी, ऐसा नहीं कि केवल MnSO4 बनेगा, पर MnSO4 जैसे ही बनेगा, कुछ भी इसका थोड़ा सा भी अमाउंट बन जाएगा, वो क्या करेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका काम करना कैटलिस्ट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज करना स्टार्ट करना। ठीक
एक है आपका कैटलिस्ट प्रमोटर और दूसरा है कैटलिस्ट पॉइजन। प्रमोटर क्या होगा, जैसा वर्ड से आपको पता लग रहा है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जैसा कि आपको हैबर प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि एमओ कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह काम करता है, मॉलिब्डेनम ये तो कैटलिस्ट है और इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता कौन है, एम प्रमोटर। कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब क्या है, कोई कैटलिस्ट काम कर रहा है, रेट को इंक्रीज कर रहा है, अब आपको चाहिए कि रेट को डिक्रीज कर दो, तो रेट को डिक्रीज करना है तो कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो इसकी एक्टिविटी को कम कर दे। क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट पॉइजन। क्लियर है बात। पॉइजन के भी एक दो एग्जांपल बता दीजिए आपने। इसमें ये टॉपिक है कि नहीं है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी पढ़ लो, कई बार क्वेश्चंस दे देते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स के साथ एक छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी के दो तीन साल में रुक रुक के एक बार क्वेश्चन दे ही दे। जैसे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले 16 में दिया था, जबकि लोग बताते 13 से ये सिलेबस में नहीं है, 13 या 14 16 में दिया था क्वेश्चन, फिर 20 में दे दिया। क्यों, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए 16 में भी दिया, फिर 20 में भी दिया था अभी, और 19 में भी शायद किसी पेपर में एक क्वेश्चन दे दिया था। और बहुत इजी होता है तो वो भी रेडियो एक्टिविटी का भी एक दिन बता दें, ठीक है। कैटलिस्ट पॉइजन की हम लोग बात कर रहे थे, पॉइजन आप डाल दो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉइजन की तरह काम करेगा, आयरन की एक्टिविटी को क्या करेगा, डाउन करेगा। इसका मतलब हैबर प्रोसेस में अगर एमओ होगा प्रमोटर और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, पॉइजन की तरह। एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक, रोजनमंड रिएक्शन। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस रिएक्शन में रिएजेंट यूज करते हैं PDBaS, जिसमें PD होता है कैटलिस्ट और BaSO4 होता है पॉइजन। रोजनमंड रिएक्शन बताया आपको, टॉपिक लगभग लगभग ख़त्म है। इसमें दो तीन थ्योरीज बतानी है, वो बता देंगे आपसे शॉर्ट में, क्योंकि आपने बताया एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चंस तो देखे हैं, तो मैं एक बार क्वेश्चंस भी देख लूँगी कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपका एक लेक्चर, आधा लेक्चर।